हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने 2021 का प्रीवियस ईयर का पेपर सोल्व किया था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। आज के इस वीडियो में हम एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सोल्व करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको पेपर पैटर्न के बारे में वापस एक बार बता देता हूँ। तो आपके पास जो होता है पेपर मैक्सिमम 50 मार्क का होता है और उसमें आपको 3 आवर्स जो होते हैं दिए गए होते हैं। 3 पार्ट होते हैं आपके पास, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए होता है आपका 10 मार्क का, पार्ट बी होता है आपका 10 मार्क का और पार्ट सी होता है आपका 30 मार्क का। ठीक है, तो और जो पार्ट ए होता है उसमें आपको मिलेंगे 10 क्वेश्चन, उनमें से आपको 10 के 10 क्वेश्चन करने हैं तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। और पार्ट बी जो होगा उसमें आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, पर क्वेश्चन आपका 2 मार्क का होगा, टोटल आपके पास 10 मार्क आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो आपके पास पार्ट थ्री होगा उसके अंदर आपको क्या मिलेंगे, 3 क्वेश्चन आपको करने होंगे आउट ऑफ 6 क्वेश्चन और उसके पर क्वेश्चन के मार्क्स आपके 10 नंबर होंगे। इस तरह से टोटल जो है 30 मार्क का जो होगा आपके पास पार्ट सी होगा। तो सबसे अब हम देखते हैं कि पेपर आपका किस तरह से रहा था और इसका आंसर क्या होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो था आपके पास में पार्ट ए से, जो कि आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 1-2 लाइन के अंदर आंसर लिखना होता है, वो है डिफाइन VACPR। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं हम क्या होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास में था डिफाइन VACPR। VACPR क्या होता है? द VACPR थ्योरी इज अ थ्योरिटिकल मॉडल दैट इज यूज टू एक्सप्लेन द ज्योमेट्रीज ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल और कॉम्प्लेक्सेस फ्रॉम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर सराउंडिंग दियर सेंट्रल एटम और आयन। तो VACPR क्या होती है? VACPR हमारे पास थ्योरी है, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जो क्या है, एक थ्योरेटिकल मॉडल है। वो हमको बताता है ज्योमेट्रीज ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की भी, किसकी सहायता से बताता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर सराउंडिंग दियर सेंट्रल मेटल एटम और आयन। ठीक है, तो ये इसका आंसर था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे से पूछा गया था वो था डिफाइन हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन इज इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड नियरली द सेम एनर्जी टू गिव द सेम नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ द सेम शेप इक्वल एनर्जी एंड ओरिएंटेशन सच दैट देयर इज मिनिमम रिपल्शन बिटवीन दीज हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा कि जो हमारे पास में एटम है उसके जो एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे वो क्या करेंगे, मिक्स होंगे विथ एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा जिसके अंदर। ठीक है, तो एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट करके वो उतनी ही नंबर में जो होंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे जितनी नंबर में एटॉमिक ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया था, और इनकी शेप और इसके जो हो जाएगा हमारे पास में एनर्जी वो दोनों ही क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो ऐसे ऑर्बिटल को हम कहेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये जो फिनोमिना है इसको हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था वो था व्हाट इज़ जॉन टेलर इफेक्ट। इसका आंसर क्या है? इस इफेक्ट को जो किसने बताया था, तो ये जॉन और टेलर नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया था। दिस इज़ आल्सो नोन एज जॉन टेलर डिस्टोर्शन। ठीक है, इस जॉन टेलर इफेक्ट को हम जॉन टेलर डिस्टोर्शन भी कहते हैं। तो ये क्या होती है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एनी नॉन लीनियर मॉलिक्यूल इन ऑर्बिटली डीजनरेट इलेक्ट्रॉनिक स्टेट वुड बी अनस्टेबल एंड दैट इट वुड गेट स्टेबलाइज बाय अंडरगोइंग डिस्टोर्शन इन इट्स ज्योमेट्री ड्यू टू विच स्प्लिटिंग इन इट्स ऑर्बिटली डीजनरेट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक स्टेट टेक प्लेस। ठीक है, तो जो जॉन टेलर इफेक्ट होता है वो क्या कहता है कि कोई भी जो हमारे पास में नॉन लीनियर मॉलिक्यूल होगा उसके डीजनरेटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में वो अनस्टेबल है, तो वो क्या करेगा, खुद को स्टेबलाइज करेगा बाय अंडरगोइंग डिस्टोर्शन इन इट्स ज्योमेट्री। तो अपनी ज्योमेट्री में वो क्या ले आता है, डिस्टोर्शन ले आता है, और किस तरह से लाता है कि डिस्टोर्शन लाने से उसके जो हमारे पास में एनर्जी लेवल हैं वो स्प्लिट कर जाते हैं, स्प्लिट इन इट्स ऑर्बिटल डीजनरेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्टेट टेक प्लेस। ठीक है, तो जॉन टेलर इफेक्ट जो है हमारे पास में जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं उसके अंदर जो हमने देखा था कि जब हमारे पास में स्प्लिटिंग होती है, जब हमारे पास में T2g ऑर्बिटल बनते हैं और जो हमारे पास EG ऑर्बिटल बनते हैं वो क्या होते हैं, फर्दर स्प्लिट कर जाते हैं और 4 टाइप के हमारे पास में ऑर्बिटल हमारे को देखने को मिलते हैं। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर जो हमारे पास में प्लानर कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और इस तरह जो क्या होता है कि ये हमारे पास में स्टेबलाइज कर लेते हैं खुद को बाय स्प्लिटिंग इट्स डीजनरेटेड ऑर्बिटल। ठीक है, तो दिस डिस्टोर्शन इज टिपिकली ऑब्जर्व अमोंग ट्रांजिशन मेटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या होंगे, ये स्प्लिटिंग कर लेंगे और हमारे पास में किस तरह के कॉम्प्लेक्स प्राप्त होंगे, स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स। इन सच कॉम्प्लेक्सेस 2 एक्सियल बॉन्ड कैन बी लॉन्गर और शॉर्टर देन दोज ऑफ द इक्वेटोरियल बॉन्ड। ठीक है, तो जो जॉन टेलर इफेक्ट होता है उसमें क्या हो जाएगा कि जो हमारे पास में कोई भी नॉन लीनियर मॉलिक्यूल होगा जिसके जो ऑर्बिटली डीजनरेटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में जो अनस्टेबल है वो क्या करेगा, खुद को स्टेबलाइज करेगा बाय अंडरगोइंग डिस्टोर्शन इन ज्योमेट्री ड्यू टू विच स्प्लिटिंग हो जाएगी इट्स ऑर्बिटली डीजनरेटेड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्टेट टेक प्लेस। तो इसमें क्या होगा, डिस्टोर्शन की वजह से जो होगी इसके अंदर स्प्लिटिंग हो जाएगी इसके जो डीजनरेटेड ऑर्बिटल थे और फर्दर आपके पास ऑर्बिटल आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास कुछ और ऑर्बिटल आ जाते हैं जिसे B1g, B2g और EG हम कहते हैं।
तो ये होता है जोन टेलर इफेक्ट, ये आपको जनरली देखने को मिलेगा ऑक्टाइडल ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर, जो हमारे पास में फर्दर कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, स्क्वायर पैनलर कॉम्प्लेक्स के अंदर। अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन जो कि है वाट आर बोरेन्स। बोरेन्स क्या होते हैं? हाइड्राइड्स ऑफ बोरोन आर नोन एज बोरेन्स। तो हाइड्राइड्स ऑफ बोरेन्स जो होंगे, हाइड्राइड्स ऑफ बोरोन एटम जो होंगे उसको हम क्या कहेंगे? बोरेन्स कहेंगे। दे हैव जनरल फॉर्मूला ओ बी एक्स एच वाई, ठीक है। तो बी बोरोन और हाइड्रोजन मिलकर जो हाइड्राइड्स बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? बोरेन्स कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे से पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 5, वो है हमारे पास में डिफाइन मेटेलो बोरेन्स। तो मेटेलो बोरेन्स में क्या होगा? मेटल, बोरोन और हाइड्रोजन। तो मेटेलो बोरेन्स आर द क्लस्टर कंपाउंड ऑफ मेटल, बोरोन एंड हाइड्रोजन एटम। ये होते हैं हमारे पास में मेटेलो बोरेन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे से पूछा गया था कि वाट इज ट्रांस इफेक्ट। तो ट्रांस इफेक्ट क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ एन अटैच ग्रुप टू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन एट ट्रांस टू इटसेल्फ दैट इज अपोजिट टू इटसेल्फ इज नोन एज ट्रांस इफेक्ट, ठीक है। तो ट्रांस इफेक्ट क्या होगा कि जो हमारे पास में स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि कोई भी हमारे पास में कोई अटैच ग्रुप जैसे कि ये है, इसका ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है तो क्या करेगा? अपने अपोजिट ये वाली पोजीशन पे क्या करेगा? जो लिगेंड मौजूद है उसको सब्स्टिट्यूट कर देगा इजीली। यही इफेक्ट जो है ये क्या कहलाता है? ट्रांस इफेक्ट कहलाता है। और ये लिगेंड कहलाता है ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारे पास में, वो था व्हाट आर एनर्जी प्रोफाइल। द एनर्जी प्रोफाइल ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मोस्ट फेवरेबल एनर्जेटिक पाथवे फॉर द रिएक्टेंट टू बी ट्रांसफर इन टू प्रोडक्ट। दिस पाथवे इज प्लॉटेड अगेंस्ट ए रिएक्शन कोऑर्डिनेट विच इज मेजर ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो एनर्जी प्रोफाइल क्या होता है? जनरली हम एनर्जी प्रोफाइल में एक हम डायग्राम बनाते हैं, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। तो यहाँ पे हमारे पास में फ्री एनर्जी रहती है, यहाँ पे हमारे पास में रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स रहते हैं। तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हमारे को बताता है कि रिएक्टेंट की एनर्जी कितनी है और जो हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म होंगे उनकी एनर्जी में कितनी कमी आ रही है या फिर वो बढ़ रही है उसकी एनर्जी, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास में होता है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे से पूछा गया था कि व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड एंड वीक लिगेंड, गिव एग्जांपल ऑफ ईच, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या होते हैं? लिगेंड दैट प्रोड्यूस ए लार्ज स्प्लिटिंग आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। एग्जांपल की हम बात करें सी ओ सी एन ई टी सी क्या है हमारे पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, एंड दोज दैट प्रोड्यूस ए स्मॉल स्प्लिटिंग कॉल्ड वीक लिगेंड, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? वीक लिगेंड कहते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास में आई माइनस और बी आर माइनस। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे से पूछा गया था डिफाइन सी एफ ए सी। तो सी एफ ए सी क्या होती है? वेन लिगेंड अप्रोचेस ट्रांजिशन मेटल आयन द डी जनरेटेड डी ऑर्बिटल आर स्प्लिट इंटू टू सेट, वन सेट विथ मोर हायर एनर्जी एंड अदर्स विथ लोअर एनर्जी। द डिफरेंस बिटवीन दीज टू सेट्स ऑफ एनर्जी इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। यहाँ पर हमसे पूछा गया है सी एफ एस सी क्या होती है, यानी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी क्या होती है। तो हमारे पास में कोई भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, टेट्राहेड्रल या फिर ऑक्टाहेड्रल, यहाँ पे डी के 5 ऑर्बिटल होंगे, वो स्प्लिट हो जाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड। दो आपके पास में एनर्जी लेवल आपको मिलेंगे, ये मैं ऑक्टाहेड्रल की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो इसके जो एनर्जी लेवल है जो कि आपके पास दो ऑर्बिटल हैं उनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है वही हमारा क्या होता है? सी एफ एस सी होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे से क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन, गिव वन एग्जांपल। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? इट इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। अ रेडॉक्स रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ऑफ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन कॉम्प्लेक्स दैट इज रिडक्टेंट टू अदर कॉम्प्लेक्स दैट इज ऑक्सीडेंट इज टेक प्लेस। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन क्या होगी? जनरली जैसा कि आप नाम से समझ सकते हो, इलेक्ट्रॉन आपका ट्रांसफर होगा एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स की तरफ, ठीक है। इसी को हम क्या कहेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। एग्जाम्पल की हम बात करें Fe H2O6+2 Fe H2O6+3+, तो यहाँ पे आप स्टार लगा दो ताकि ये दोनों में आपको डिफरेंस पता चल सके कि किसमें ऑक्सीडेशन हुआ है किसमें रिडक्शन हुआ है। यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन जो होगा अपना लूज करके इसको दे देगा और इसमें 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये क्या हो जाएगा? रिड्यूस होकर 2+ स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? इसी रिएक्शन को हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन बेसिकली होती है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो होता है साइमल्टेनियसली होता है। इसके बाद हम देखते हैं पार्ट बी। पार्ट बी में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था 11वां, जो कि था हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बॉन्ड आर प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ मेटलोकार्बोरेन, ठीक है। तो ये वाले इस वाले टॉपिक को अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है, हमने इसके अलावा इस टॉपिक को डिस्कस रखा है बॉन्ड प्रेजेंट इन हायर बोरेन। तो वो वीडियो आप देख सकते हो, आपको चैनल पर मिल जाएगा और उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अंदर मिल जाएगी। ये वीडियो भी हम जल्द से जल्द अपलोड कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हाउ मेनी टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अकर इन स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस। तो इसकी बात जो है हमने अभी रिसेंट वाले वीडियो में ही करी थी, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो इसका भी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, लेकिन आपको इसका जनरल इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि क्या होता है कि जो काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, जैसे कि नाम से समझ सकते हो कि काइनेटिक स्टेबिलिटी क्या होगी, कि रेट ऑफ रिएक्शन को ये बताता है, ठीक है।
तो काइनेटिक स्टेबल कौन सा कंपाउंड होगा जिसकी रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी, और काइनेटिकली स्टेबल कंपाउंड कौन सा होगा जिसकी रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी, और अनस्टेबल कौन सा होगा जिसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी। तो इसके अकॉर्डिंग हमने दो कॉम्प्लेक्स पढ़े थे। फर्स्ट हमने पढ़ा था इनर्ट कॉम्प्लेक्स, जो कि हमारे पास काइनेटिक स्टेबल होता है, और दूसरा हमने पढ़ा था लेबाइल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो बेसिकली ये उसी से ही रिलेटेड आपको इनर्ट और लेबाइल के बारे में बताना होता है। इनर्ट कॉम्प्लेक्स आपके काइनेटिकली स्टेबल होते हैं, और लेबाइल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं काइनेटिकली आपके अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 14 है, आपसे पूछा गया था व्हाट इज बेस हाइड्रोलाइसिस, गिव फैक्टर्स अफेक्टिंग बेस हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, इसका वीडियो आपको मैंने चैनल पर अपलोड कर रखा है, वो आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे राइट शॉर्ट नोट ऑन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन, इसका भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर लेना। अब आता है पार्ट सी, जो कि पर क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया था व्हाट इज ट्रांस इफेक्ट, डिस्कस द रोल ऑफ ट्रांस इफेक्ट इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स। तो ये जो वीडियो है आपका अपलोड हो चुका है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप चेक कर लेना। इसके बाद आपसे पूछा गया था डिस्क्राइब फैक्टर अफेक्टिंग एसिड हाइड्रोलाइसिस ऑफ ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्सेस, इसका भी वीडियो हमने एसिड हाइड्रोलाइसिस वाली रिएक्शंस के अंदर देखा था, उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख लेना। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, 17वां क्वेश्चन था, जिसमें आपको दो क्वेश्चन करने थे। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मेटल लिगेंड बॉन्ड क्लीवेज। ठीक है, तो इस ये वाला वीडियो जो है आपका जो है चैनल पे अपलोडेड है, आप जाके वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से चेक कर लेना। इसके बाद में आपसे पूछा गया था मार्कसर्स थ्योरी, जो कि हमने रिसेंट अभी वीडियो में देखा है, और इसके बाद आपसे पूछा गया था बेंट रूल। ठीक है, तो बेंट रूल क्या होता है वो आपको एक्सप्लेन करना है, और आपको एक डायग्राम बना देना है बेंट रूल को बताते हुए, कि कौन से जो आपकी एक्सियल पोजीशन को कौन से लिगेंड प्रेफर करते हैं, और कौन से इक्वेटोरियल पोजीशन को प्रेफर करते हैं। ठीक है, और इसके बाद में एक नेक्स्ट क्वेश्चन था, या तो आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो इसके, या फिर इसके अलावा जो इसके अथवा वाला क्वेश्चन था वो था एक्सप्लेन द बेंट रूल एंड एनर्जेटिक्स ऑफ हाइड्रोलाइजेशन। इसमें आपको क्या करना है, बेंट रूल को समझाना है, उसको डायग्राम से आपको समझाने के बाद एनर्जेटिक्स ऑफ हाइड्रोलाइजेशन में आप लिखोगे कि हाइड्रोलाइजेशन क्या होता है, उसके बाद में एक एग्जांपल से आपको एनर्जेटिक्स कैलकुलेट करनी है हाइब्रिडाइजेशन की। इसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपसे पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था 18वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, एक्सप्लेन द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद एग्जांपल टेक प्लेस इन पीटी स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्सेस। तो ये वीडियो भी हमने जो है अपलोड कर रखा है चैनल पे, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। और इसका जो अथवा वाला क्वेश्चन था वो था एक्सप्लेन स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल ऑफ 4 ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्सेस और वैराइट 5 फैक्टर्स अफेक्टिंग CFSE। ठीक है, तो ये वीडियो आपका चैनल पर जल्दी अपलोड हो जाएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।